For JEE mains, we are going to consider one of the important chapter, and that is going to be nothing but chemical thermodynamics. Okay, I'll explain you one particular concept now, which is very important of this particular chapter, and that is about, okay, let us consider a reaction. Everybody knows a reaction is nothing but what? Reactants getting converted into products. Yani samjho ki hum log aisa likhte a plus b giving c plus d. अब जब भी एक रिएक्शन होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस रिएक्शन के साथ जुड़ा हुआ एनर्जी. अब इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या कभी कभी एनर्जी लिबरेट होता है. ठीक है, अब उस हिसाब से हम एक पर्टिकुलर पैरामीटर डिफाइन करेंगे और उसे हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी, या उसे हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल केस नंबर वन, अगर हम ऐसा बोलेंगे कि एनर्जी इज लिबरेटेड, मतलब इट इज गिवन आउट, जब ए और बी रिएक्ट होगा और वो सी और डी में कन्वर्ट होगा और एनर्जी लिबरेट हुआ, ओके, तो हम बोलेंगे इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक. थर्मिक का मतलब होता है एनर्जी और एक्सो मतलब होता है आउट, आउट मतलब लिबरेटेड. अब दूसरा पॉसिबल केस क्या होता है इसमें कि एनर्जी इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड, हमें एक्सटर्नली हीट देना होगा तब जाकर ए और बी रिएक्ट होगा और वो क्या देगा, सी और डी. तो ये दूसरा केस है, एनर्जी इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब. अब यहां पर रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, थर्मिक का मतलब होता है हीट. अब यहां पर एंडो मतलब क्या होता है, इन, मतलब हीट जो है वो लिया गया है तब जाकर रिएक्शन होता है. यहां पर क्या हुआ है, हीट दिया है रिएक्शन हो जाने के बाद, समझ में आया. तो इस तरीके से जहां तक हीट का सवाल है, हम रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. देर आर सर्टन रिएक्शंस विच आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक एंड देर आर सर्टन रिएक्शंस विच आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक. अब जैसे मैंने बताया है कि जहां तक ये हीट ऑफ रिएक्शन का सवाल है, हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच, अब इसमें साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, वी नीड टू रिमेंबर द साइंस. इन फैक्ट द साइन विल इंडिकेट वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और वेदर इट इज एंडोथर्मिक. नाउ हाउ टू रिमेंबर दिस, आई गिव यू अ वेरी सिंपल सोल्यूशन टू दिस. नाउ व्हेन आई से एक्सोथर्मिक, दैट इज हीट इज लिबरेटेड, व्हेन एवर यू गिव अवे समथिंग, सो आफ्टर गिविंग, ओके, दैट सब्सटेंस डिक्रीजेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो पेन है और अगर मैंने एक पेन दे दिया तो मेरे पास कितना बचेगा, एक बचेगा, मतलब वो कम हो गया. और कम हो गया मतलब हम कौन सा साइन से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी हाँ, माइनस. तो इसलिए हम लोग यहां पर बोलेंगे डेल्टा एच इज नेगेटिव. नेगेटिव मतलब कम होना. ओके, तो जब भी कोई भी चीज दिया जाता है तो देने के बाद वो चीज कम हो जाती है. सिमिलरली ओवर हियर आल्सो, इन दिस रिएक्शन द एनर्जी इज लिबरेटेड, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर गिविंग अवे डिक्रीजेस. And therefore we say delta H is negative for a exothermic reaction. Now we make the opposite of this, endothermic. कोई भी चीज अगर आप लेते हो तो लेने के बाद वो चीज बढ़ेगा, और बढ़ेगा मतलब it is indicated by means of what? Positive sign. So delta H becomes what? Positive. All right? So this is the most important demarcation between a exothermic and endothermic reaction. कि delta H के signs से हम पता लगा सकते हैं कि whether it is exothermic or endothermic. नेक्स्ट थिंग इज, मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं कि डेल्टा एच, ये डेल्टा जो है दोस्तों याद रखिएगा, इट इज स्टैंडिंग फॉर फाइनल माइनस इनिशियल. किसको स्टैंड करता है वो, फाइनल माइनस इनिशियल. अब जहां तक रिएक्शन का सवाल है, हम रिएक्शन की शुरुआत कहां से होती है, रिएक्टेंट से, खत्म कहां पर होता है, प्रोडक्ट्स में. सो दैट मीन्स व्हाट वी से इज कि द इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स एंड द फाइनल स्टेट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स. So this delta is nothing but it is the difference between the final and the initial, matlab products minus reactants. So we say delta H is equal to HP minus of HR. This way we do it. Okay, ye uska formula ho gaya, jahan par HP is enthalpy of the product and HR is nothing but the enthalpy of the reactant. तो उस हिसाब से जब हम ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात करते हैं, अब एक्सोथर्मिक में क्या बोला हम लोग ने, डेल्टा एच नेगेटिव है. अब एचपी माइनस ऑफ एचआर नेगेटिव आता है,
ओके अब नेगेटिविटी कभी आएगा, जब स्मॉलर माइनस लार्जर वैल्यू करेंगे तब नेगेटिव आता है. सो दैट मींस क्या बोलेंगे हम लोग यहां पर, इन दिस पर्टिकुलर केस वी से दैट एच पी इज गोइंग टू बी लेस देन एच आर. समझ में आपको? तो अगर एच पी कम है एच आर से तो हमें फाइनली डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. उसी तरीके से अगर हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मीन्स व्हाट, एच पी माइनस ऑफ एच आर एंटायर हैज टू बी पॉजिटिव. सो यू नो वेरी वेल लार्जर वैल्यू माइनस अ स्मॉलर वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वी विल से एच पी इज ग्रेटर देन एच आर. यू अंडरस्टूड दिस? सो इन दिस वे वी कैन कनेक्ट regarding exothermicity as well as the endothermicity, and we can find out whether the reaction is going to be going into the positive enthalpy change or we are going into the negative enthalpy change. Samajh mein aaya dosto? So please have a look up to this. Ab main aapko ek dusra concept explain karta hu. Maan lijiye reaction wahi hai jaisa maine aapko pehle likh ke diya tha, a plus b giving say c plus d. Okay, aisa reaction. अब आप जानते हो अच्छी तरीके से रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ता है. ओके तो बैलेंस करने से कोई नंबर्स आ जाता है बीच. ओके सो से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2a, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3c, लाइक दैट. ओके एक जनरल रिएक्शन मैंने दिखा. नेक्स्ट थिंग इज हर एक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का एक फिजिकल स्टेट होता है. तीन फिजिकल स्टेट हम लोग कंसिडर करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस. सो लेट अस से दिस इज सॉलिड, बी इज गैस, this D is gas and this is L, that is liquid. Okay, ऐसा हम लोग consider करें. अभी इसके basis पे मैं आपको एक formula देता हूँ और वो formula है कि delta H is equal to delta U plus delta NRT. Delta H जो अभी अभी मैंने बताया था आपको वो heat of reaction है या फिर हम उसे enthalpy change भी बोलते हैं. जहाँ तक U का सवाल है, एक system में जो भी body present है उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. ओके एंड दैट इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड एज व्हाट, यू. सो द एनर्जी विच इज बीइंग पोसेस्ड बाय द सिस्टम, ओके दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. नेक्स्ट वन इज व्हेन यू टॉक अबाउट दिस एन, वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस. आर इज अ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. और जहां तक टी का सवाल है, इट इज टेम्परेचर. और जो भी टेम्परेचर वापस किस में है, केल्विन में है. याद रखिएगा दोस्तों कि इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी जनरली एक्सप्रेस टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है, अब जैसे कि ये ट्रायंगल आपको मालूम है, इट इज नथिंग बट इट इज फाइनल माइनस इनिशियल. सो उस हिसाब से जब हम डेल्टा एन की बात करते हैं, डेल्टा एन मैंने आपको बोला है कि वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस है, लेकिन ये डेल्टा है मतलब वो डिफरेंस है. डिफरेंस हमेशा कौन सा होता है, फाइनल माइनस इनिशियल. सो देयरफॉर वी से ओवर हियर इज के एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, ऐसा लिखना हमें. ठीक है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों यहां पर सिर्फ और सिर्फ गैसियस मोल्स होना चाहिए. यानी इसका मतलब क्या कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो उसे हमें नजरअंदाज करना है. Okay, we need to avoid consideration of the solid and the liquid moles irrespective of whichever number of moles it is going to be. Let it be 2 moles, let it be 20 moles, we are not going to consider that. Okay, we are only going to take into consideration those which are present in the gaseous state. So accordingly now, if I want to implement this over here, तो क्या होगा, देखो ये जो 2 मोल्स ऑफ ए है वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है. यहाँ पर 1 मोल ऑफ बी है वो गैसियस में, 3 मोल्स ऑफ सी इज इन लिक्विड स्टेट, 1 मोल ऑफ डी इज इन द गैसियस स्टेट. तो हमें ये दोनों को, ये जो 3c लिक्विड और ये 2a सॉलिड, उसे हमें इग्नोर करना है. वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट इन टू कंसिडरेशन. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इफ यू वॉन्ट टू यूज दिस फॉर्मूला, सो वट वी गेट इज प्रोडक्ट्स इन द गैसियस स्टेट इज ओनली दिस, दैट इज 1 मोल. And this is also 1 mole. So 1 minus of 1 comes out to be 0. And if we try to implement this into this particular equation, we finally get delta H is equal to delta U. Understood this? But remember, my dear friends, okay, this delta N values are 3 possible values. We have a positive value, we have a negative value, and we have 0. Okay, there are 3 possibilities. Positive, negative, as well as 0. Okay, so please remember this particular part. Okay, we start with the multiple choice questions. Question number 1 is, what it says is,
In an exothermic reaction, HF, which is enthalpy of the reactants, and HP, which is enthalpy of the products. So what are the particular options now? So we'll first of all work it out. We consider a general reaction now. Or what general reaction hai? A getting converted into B. Okay. Ab is reaction mein do possibility hota hai. Ya to ye reaction hone ke wajah se heat liberate hota hai. Or in other words, ke we have to supply heat so that the reaction takes place. Case one, if the heat is liberated, we call that reaction as exothermic. Exo means what? It is out. Thermic is related to heat. The other possibility which I said is, heat has to be supplied, alright, so that the reaction can take place. Then we call it as endothermic. Now here, endo means what? It is in. Exo means out and endo means in. If we consider now two possibilities with respect to exothermic and endothermic, we call this as delta H, which is also called as heat of a reaction. I write it down in short, Rn. Now this delta H, delta indicates what? Difference. And the difference is between final and initial. Jab ab reaction ki baat karte hai, to reaction ki shuruaat hoti hai kahan se? Reactant se. Aur reactants end kahan par ho jata hai? Wo convert ho jata hai kisme? Products mein. So reaction ke taur pe, the initial state is reactants and the final state is products. So therefore we say delta H will be equal to HP minus of HR. Alright, this is what the formula is. Abhi kya karna hai hume? Ke according to the exothermicity and the endothermicity, hume yahan par signs substitute karna hai. Jab exothermic hai, exo means nothing but what? It is out. तो साइंस में याद रखने के लिए एक सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको, एंड दैट इज कि कोई भी चीज अगर दिया जाता है तो वो देने के बाद वो कम हो जाता है, और कम हो गया मतलब वो कौन से साइन से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं? नेगेटिव. सो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव व्हेन इट इज एक्सोथर्मिक. तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सोथर्मिसिटी के लिए नेगेटिव. तो कॉमन सेंस से उसका ऑपोजिट करेंगे तो एंडोथर्मिक में हो जाएगा वो पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी चीज हम लोग लेते हैं तो वो चीज बढ़ेगा. So it becomes positive. So accordingly what we say is that delta H is equal to HP minus of HR. So if I say delta H is negative, then we say that HP is going to be less than HR. And if delta H is equal to positive, then we will say HP is greater than HR. So these two possibilities have been. Now negative is exothermic, positive is endothermic. So now we will go back to this question. We are being asked about exothermic reaction. Now, exothermic, mein, jaise delta H is negative, so we have got this particular possibility. HP is going to be less than HR. Okay, so accordingly now, ye dekho, apne paas char options hai, to us hisab se, the best option that we will go according to this particular relationship is what? B. So let us just check it out. Yes, it is going to be B. Alright, understood this part, the first one? We go to the next question now. The next question says what? C plus O2 giving CO2. Okay, it's nothing but formation of carbon dioxide. Okay, so main yahan par ek baar likh deta hu. C solid plus O2 jo gaseous state mein hai, wo hame dega CO2 jo gaseous state mein hai. Isme jo hame formula ka istemal karna hai wo hai delta H is equal to delta U plus delta NRT. Ab delta N ka jo formula hai wo hai N2 minus of N1, matlab N2 matlab wo ho gaya products aur N1 ho gaya wo reactants. Theek hai, ab lekin yaad rakhega यहाँ पर जो n है वो है number of gaseous moles, यानी जो भी gaseous state में वो उसी को हमें consider करना है. तो यहाँ पर gaseous state में कौन है? Products में it is one. तो पहले तो क्या करना है, हमें दो चीजें करनी है यहाँ पे दोस्तों, याद रखिएगा. पहला reaction balance है कि नहीं वो देखना है, और second कि जो gaseous state में उसी को consider करना है. तो first condition वो तो यहाँ पर लागू है कि reaction is already balanced, तो हमें उसको balance नहीं करना है. अभी यहाँ पर देखिए gaseous state लिखा है, तो N2 will be equal to what? 1 हो गया minus. अब यहाँ पर देखो carbon है solid form में, तो उसे नहीं consider करना. कई बार दोस्तों क्या करते हैं students कि 1 लिखते हैं यहाँ पर, 1 और 1 मतलब 2, 1 minus 2 is minus 1, ऐसा करते हैं. नहीं, ऐसा नहीं करना है. सिर्फ जो gaseous state में उसी को consider करना है, तो वो भी 1 हो जाएगा. सिर्फ oxygen को consider करना है. So 1 minus 1 becomes equal to 0. तो delta N अगर 0 हो गया, so we substitute this in this equation. So finally what we get is delta H is equal to delta U.
Because anything you multiply by zero, finally you get the answer as zero only. So therefore we get delta H is equal to delta U. Now if you try to, this is what our answer we get. If you have a look over here at the four possible options that we have, so I guess the best one is the C one, okay? It matches the C option. So let's just check it out. Yes, it is. Okay, the answer is C. Okay, I hope you understood this. Okay, we go into the next question now. And that is, when you talk about this particular reaction, the heat change for a reaction, and that reaction is what? CO plus half O2 gives you CO2. Now, always remember one thing is, okay, and that is, okay, whenever a substance or a compound reacts with oxygen, the reaction is called as combustion reaction. ओके एक और बार बोल देता हूँ कि जब भी एक सब्सटेंस या एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कंबशन रिएक्शन. तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट हो रहा है. ओके सी ओ इज़ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है उसका कंबशन होता है. यानी इस रिएक्शन के हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि इस सी ओ का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है. ओके एंड देयरफॉर ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंबशन. तो उस हिसाब से ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी. लेट अस चेक इट आउट. यस इट इज गोइंग टू बी, द ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी. सो इट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ कंबशन. ओके समझ में आया आपको. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज दिस, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 वो है -824.2 किलो जूल्स पर मोल. तो हमें इस रिएक्शन का, अब ये रिएक्शन ध्यान से देखिएगा, Fe2O3 gives you 4Fe plus 3O2. We need to find out the delta H for that reaction. Now, first of all is, let me just explain you what is a formation reaction. Always you know very well, a compound is formed. A compound is made up of elements. So those elements are called as constituent elements. So please, my dear friends, remember some points now with respect to enthalpy of formation. Number one is, the compound which is going to be formed, that means which is going to be there in the reactant, no, it will be there in the product, will be formed only from its constituent elements. Okay, no other element should be present in the reactant side. The compound which is formed will be the only product. No other products I want. Am I clear with this? Okay, next thing is, the compound which is being formed should be always in one mole. So these are the conditions. So accordingly now, let us just work it out with this example so you can understand better. We are here discussing about what, formation of Fe2O3. Now Fe2O3 is a compound which is formed. Now which elements it is being made up of? Yes, iron and oxygen. So only those two elements must react with each other. And it should give you only a single product, that is Fe2O3. So therefore our reaction will be Fe plus O2 will give you what? Fe2O3. This is a reaction. Next thing is, we need to make sure that this remains as one mole only. And then we need to balance it. So kaise balance karenge yahan pe 2 Fe. So this is 2 Fe. I want 3 oxygen. So what I do is, I make it 3 by 2. So this 2 and 2 gets cancelled. So I get 3 oxygen. Understood this? So you have to balance it such that this remains as one mole only. Okay. Now see. What we get is, in this case, is delta H value. Delta H value is already given to us, that is minus of 824.2 kilojoules per mole. Alright, now what I'll do is, I multiply this entire reaction now by, say, 2. Okay, so if I multiply this entire reaction by 2, what I get is 4Fe plus 3O2 giving me 2Fe2O3. Right? I multiply the entire reaction. Am I clear with this? Please be very careful. Whenever you multiply or divide by any number, that operation has to be done at the entire reaction. You cannot limit it to any one of the reactants or any one of the products, including delta H value also. So we have multiplied the entire reaction by 2. So we have to multiply this delta H value also by 2. So accordingly we get delta H value will be, you multiply this by 2, so you get minus of 1648.4. Am I clear with this? So this is what we get. Now if we compare this equation with the required equation, so what we need to do is, okay, we need to flip the reaction.
Okay, that means what? The reactants becomes products and products becomes reactants. So if I flip the reaction, I get the required equation, and that is 2Fe2O3 gives 4Fe plus 3O2. See, check it out. You get the same one. Alright, now what the rule says is, okay, if you flip the reaction, the value of delta H, that is, I'm talking about magnitude and I'm talking about sign. तो ये जो magnitude है, मतलब जो numerical value है, वो same रहता है, सिर्फ sign change होता है, मतलब plus का minus हो गया, minus का plus हो गया, या तो दूसरे शब्दों में हम बोलेंगे, exothermic reaction होता है, अगर forward, तो backward हो जाएगा endothermic, समझ में आया? तो इस तरीके से इसका delta H value क्या हो जाएगा? 1648.4 तो ऐसा ही रहना है, उसमें तो कोई changes नहीं है, सिर्फ ये minus का क्या कर देना है? Plus कर देना है, am I clear with this? तो ये अपना answer है. अब इसे ऑप्शंस के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए डी मिलना चाहिए सो लेट अस चेक इट आउट यस इट इज गोइंग टू बी डी ऑलराइट